और उन्होंने मुझे ऐसी चीज़ बताई जो मुझे पता ही नहीं थी मतलब काश ये चीज़ मुझे पहले पता होती और फिर मैंने ये किया बिजनेस स्टार्ट है ये वाला जो बिजनेस है दुनिया के किसी भी कोने में कर सकते हैं नेक्स्ट चीज़ इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए कि मैं ये काम कैसे कर रही हूँ कैसे आप अपनी साइड हसल स्टार्ट कर सकते हैं या फिर इसको फुल फ्लैज भी लेके जा सकते हैं और हजारों डॉलर्स कमा सकते हैं हे एवरी वेलकम टू सैडी टॉक्स कैनेडा अभी रिसेंटली मैं अपने कलीग के घर पर गई और उनके घर के सामने ना बहुत बड़ा सा घर था बिल्कुल मैंशन की तरह और मैंने उनको आउट ऑफ क्रियोसिटी पूछा कि भाई ये जो सामने वाला घर है इतना बड़ा यहाँ कितने लोग रहते हैं तो मेरी कोलीग ने बोला कि यहाँ तो दो ही लोग रहते हैं मैंने कहा दो लोगों के लिए इतना बड़ा घर इतना बड़ा मेंशन मतलब लग रहा था पता नहीं कितने कमरे हैं वहां पे और इतना बड़ा सा ड्राइव वे तो मतलब मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि इतने कमरे होंगे इतना बड़ा मैंशन है ये लोग कैसे अफोर्ड कर रहे होंगे मैंने फिर उनको पूछा कि भाई ये करते क्या है जो इतना बड़ा घर है इनका इतना बड़ा मैंशन तो उन्होंने मुझे बताया कि ये अमेजोन पे सेल करते हैं और उन्होंने मुझे ऐसी चीज़ बताई जो मुझे पता ही नहीं थी मतलब काश ये चीज़ मुझे पहले पता होती और फिर मैंने ये किया बिजनेस स्टार्ट सो तो इस वीडियो में जो हम बात करने वाली है ना वो उस बिजनेस की है जो लोगों को पता ही नहीं है बहुत कम लोगों को पता है इसमें फ़ायदे इतने हैं कि इसमें पहली चीज़ आपको काम सिर्फ करना है दस मिनट और ये टू वुड टू वी ट्रू आपको सुन के लग रहा होगा बट दिस इज पॉसिबल और ये मैंने किया मैं कर रही हूँ सो so, दस मिनट काम करना ये आपके लिए अपने आप पैसे इनकम जनरेट करके देगा लोग हज़ारों में डॉलर्स में कमा रहे हैं पाँच हज़ार डॉलर दस हजार डॉर जितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इसमें कोई लिमिट ही नहीं है उतने ज़्यादा डॉलर आप कमा सकते हैं और काम आपको बहुत कम करना है और उसके बाद ये आप कहीं पर भी बैठ के कर सकते हैं ये वाला जो बिजनेस है दुनिया के किसी भी कोने में कर सकते हैं नेक्स्ट चीज़ इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए कि इतने आप बुक खरीद लो कोर्स खरीद लो ऐसे सीखना पड़ेगा एड्स बाय करनी है ऐड करनी है ये करनी है, कुछ नहीं आपको करने की ज़रूरत है आपकी कोई इतनी खास इन्वेस्टमेंट नहीं है उसके बाद इसमें कोई डिग्री डिप्लोमा की जरूरत नहीं है कोई स्किल की जरूरत नहीं है जो भी बंदा ये वीडियो देख रहा है वो कर सकता है इस काम को और ये वीडियो आपको ये पूरा एंड टू एंड प्रोसेस बता देगी मैं ये काम कैसे कर रही हूँ कैसे आप अपनी साइड हसल स्टार्ट कर सकते हैं या फिर इसको फुल फ्लैज भी लेके जा सकते हैं और हज़ारों डॉलर्स कमा सकते हैं चलो जी विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स टॉक अबाउट दिस अब बात करते हैं कि ये बिजनेस है क्या बिजनेस है बुक्स को सेल करने का और Amazon पे राइट अब आप सोचेंगे कि सैंडी तुम तो बोल रही थी दस मिनट दस मिनट में कहा बुक बनाएंगे छापेंगे और बेचेंगे राइट यही तो मेन बिजनेस है आपको सिर्फ बुक क्रिएट करनी है लो कंटेंट बुक लो कंटेंट बुक मतलब अंदर कोई कंटेंट ही नहीं है नोटबुक आपको कोई नोटबुक लेनी आप अमेजोन से जाके खरीद लेते हैं राइट अंदर कुछ नहीं होता और उनको लो कंटेंट बुक बोला जाता है जो बहुत जल्दी आप क्रिएट कर सकते हैं एक्चुअल में अंदर में कोई खास कॉन्टेंट है नहीं मीडियम कॉन्टेंट बुक जैसे कॉमिक्स वगैरह होती हैं ये होते हैं पजल्स वगैरह होती हैं बाकी अपनी फुल फ्लैज जो बुक्स होती हैं आपको पता है सो so, आपको लो कॉन्टेंट बुक सेल करनी है अमेजोन पे बुक क्रिएट दस मिनट में हो जाती है आइडिया होना चाहिए अगर आप ज़्यादा और आइडिया लेके आएंगे मीडियम कंटेंट में जाएंगे तो इससे ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा लेकिन लो कंटेंट 10 मिनट में बुक क्रिएट आपकी हो जाती है और आपको पब्लिश करनी है वो अमेजोन पे आप अमेजोन पे जाके जब पब्लिश करेंगे हेड एक सारी अमेजन की है उसको शिप करना उसको प्रिंट करना जब ऑर्डर आएगा ये सारा जो रिटर्न है ये सब कुछ हैंडल करेगा अमेजॉन और आपको उसकी मिलेगी रॉयलिटी सो बुक आपने क्रिएट कर दी अमेजन सब कुछ हैंडल कर रहा है बाकी वो अपना वहाँ से जो भी है प्रिंटिंग का खर्चा निकाल के बाकी आपको वो पैसे

मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप मेरे साथ साथ ही करें सो अपने लैपटॉप पे आप या अगर फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो इट्स अ डिफरेंट थिंग बट लैपटॉप अगर आपके पास है तो लैपटॉप पे साथ के साथ फॉलो करते जाना आपको इजी लगेगा बुक मोल्ट आप खोल लेना इसका जो ये जो सॉफ्टवेयर है तीन दिन के लिए तो फ्री है फ्री में आप अपना टेस्ट करना कभी भी कैंसिल कर सकते हैं इसको और उसके बाद आप इसकी मेम्बरशिप भी ले सकते हैं जैसे मैंने ले रखी है प्रो वाली मेम्बरशिप ट्वेंटी डॉलर्स की और अगर आप बिल्कुल न्यू है सिर्फ लो कंटेंट बुक बनाना चाहते हैं तो आप दस डॉलर की भी ले सकते हैं है ना दोनों में से जो भी आपको सेट लगता है वो आप ले लें और अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे सेंडी ट्वेंटी तो आपको ट्वेंटी परसेंट ऑफ भी मिलेगा एनी वेज आई एल रिकमेंड यू टू गो विद अपना जो स्टार्ट कर लें मेरे साथ साथ एंड देन तीन दिन का तो आपको फ्री है यू डोंट हैव टू पे एनी थिंग एंड यू कैन कैंसिल एनी टाइम सो अब मैं आ गई यहाँ पे बुक वोल्ट पे सो बुक वोल्ट में जब मैंने लॉग इन किया सबसे पहले हम अपनी रिसर्च करेंगे कि भाई हमने बुक कौन सी जनरेट करनी है कौन सी पब्लिश करनी है उसमें

बनानी जैसे मैंने आपको बताया सो so, क्लाउड जो है इसको आप यूज करेंगे रिसर्च करने के लिए यहाँ पे आ, ये जो आ, बुक के क्लाउड पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये आपको देते हैं टॉप हंड्रेड बेस्ट सेलर्स ऑफ Amazon। और कैटेगरी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप कौन सी बुक बना रहे हैं कौन सी लो कॉन्टेंट बुक बना रहे हैं आप जर्नल बना रहे हैं या फिर आप नोटबुक बना रहे हैं या फिर कैलेंडर प्लानर भी बना सकते हैं अगर आप मीडियम कंटेंट जाते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है तो आप पज़ल कॉमिक गेस्ट बुक भी बना सकते हैं ये टाइम लेती हैं थोड़ा सा तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप नॉर्मल नोटबुक या जनरल जर्नल से स्टार्ट करें सो बेस्ड ऑन माय रिसर्च मैंने स्टार्ट किया कि हम जर्नल बनाएंगे सो so हम यहाँ पे जर्नल पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर टॉप हंड्रेड आपको बता ही देगा जर्नल भी कई टाइप की होते हैं कि आप कौन सा जर्नल बनाना चाहते हैं सो so मैंने डिसाइड किया है कि हम ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाएंगे और इस पर भी मैंने कैसे डिसाइड किया वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि अमेज़न पे जाके पहले मैंने सर्च की सो so एनी पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें आगे और रिसर्च करनी चाहिए इस टॉपिक पे कि नहीं सो ग्रेटिट्यूड जर्नल पे हम गए और यहाँ पे जब हमने क्लिक किया सर्च पे तो इसने आपको टॉप हंड्रेड बेस्ट सेलर्स दे दिए और उन बेस्ट सेलर्स की अमेजोन पर कितनी सेल हो रही है सो so, ऑलमोस्ट 500 कॉपीज हर जो सेलर है अमेजोन पे वो इस बुक के सेल कर रहा है जो कि बिल्कुल लो कंटेंट बुक है जो बहुत इजीली आसानी से आप बना सकते हैं सो so, 513 ये वाला सेल कर रहा है बाकी 400 और उसके अलावा बाकी ये भी 425 474 मतलब ऑलमोस्ट 400 से 500 बुक सेल कर रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है कौन वो सेलर है कब उसने पब्लिश की है कितने में वो सेल कर रहा है ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी बाकी एक चीज़ आपको और करनी है कि आपको अमेजन पे जाना है और अमेजन पे जाके आपने ये सर्च करना है कि ये जो जर्नल है ग्रेटिट्यूड जर्नल ये कितने लोग सर्च कर रहे हैं और इसके लिए कितनी बुक्स ऑलरेडी अवेलेबल है अमेजोन पे तो आपका जब आप रिसर्च करेंगे सर्च करेंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो सर्च रिजल्ट है उसमें दस हज़ार बीस हजार या साठ हजार तक ऑलरेडी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और आपका तो बिल्कुल नया प्रोडक्ट होगा वो रैंक नहीं करेगा इतनी ईजिली तो आपको इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं चाहिए आपका चलो पाँच हज़ार तक में मैं बोलूँगी कि ठीक है क्योंकि इतनी बुक होंगी तो चल जाएगा आ, अगर इससे कम होता है तो और भी अच्छा है लेकिन ऐसा ना हो कि पचास पचास हज़ार साठ साठ हज़ार ऑलरेडी वहाँ पे बुक्स पड़ी हों या कंपटीशन ज़्यादा हो सो ये आपको अवॉइड करना है इसी बेसिस पे मैंने डिसाइड किया कि मैं ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाऊँगी क्योंकि जब मैंने ग्रेटिट्यूड जर्नल सेलेक्ट किया एमेज़ॉन पर तो मुझे उसके जो रिजल्ट uh, मिले वो अप्रोक्सीमेटली फोर थाउजेंड मिले सो फोर थाउजेंड इज स्टिल डीसेंट चीज ऐसी सिलेक्ट करो जो सेल भी हो रही हो रही राइट सो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया अब हम करते हैं अपनी बुक क्रिएट सो बुक क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है अपने बुक बोल्ट में जाके आपको और क्रिएट पे क्लिक करना है जब आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपका आ जाएगा बुक बोल्ट स्टूडियो सो आपको बुक बोल्ट स्टूडियो पे क्लिक करना है जैसे ही आप बुक बोल्ट स्टूडियो पे क्लिक करते हैं ये मेरा पुराना प्रोजेक्ट है सबसे पहले हम नया प्रोजेक्ट बनाएंगे सो so, हम हमें क्लिक करना है प्रोजेक्ट पे और न्यू प्रोजेक्ट न्यू प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करते हैं तो प्रोजेक्ट टाइप आ जाएगा कि आपको बुक कैसे बनानी है इसका पेपर बैक कवर रखना है या हार्ड कवर रखना, हार्ड कवर कवर रखना है हार्ड हार्ड वाली बाहर का कवर होता है और, और महंगी हो जाती है तो हम पेपर बैक रख के चलेंगे बिल्कुल सिंपल बनाएंगे कि जो कंज्यूमर है उसको भी सस्ते रेट में मिल जाए राइट सो so, इसका प्रोजेक्ट का नाम हम लिख रहे हैं यहाँ पे ग्रेटिट्यूड जर्नल सो ग्रेटिट्यूड जर्नल हमने नाम लिख लिया प्रोजेक्ट का उसके बाद आप इसका ट्रिम साइज सेलेक्ट कर सकते हैं कि बुक का साइज़ क्या है नॉर्मल जो बुक्स का साइज़ होता है वो सिक्स बाय नाइन होता है सो सिक्स बाय नाइन इंच आप सेलेक्ट कर लेना और उसके बाद आप इसका इंटीरियर ब्लैक एंड वाइट रखना है या कलर रखना है मैं रिकमेंड करूँगी कि ब्लैक एंड वाइट रखें अगैन चीज़ें एक्सपेंसिव होती जाएंगी अगर आप कलर करेंगे ब्लैक एंड वाइट में भी ये सारी बुक्स सेल होती हैं आराम से और ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट ही होती हैं उसके बाद ब्लीड और नो ब्लीड है आपको यहाँ पे ब्लीड सेलेक्ट करना है ब्लीड का मतलब ये है कि जो भी आप कवर पेज बनाएंगे वो प्रॉपर जो फ्रेम में रहे आउट ऑफ द वे ना जाए तो इस वजह से आपने ब्लीड सेलेक्ट कर लेना है और पेज काउंट ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितने पेज बनाने हैं ये कोई हंड्रेड भी डाल सकते हैं टू हंड्रेड भी डाल सकते हैं अगर आप डेली जर्नल बना रहे हैं तो आप थ्री सिक्सटी फाइव पेजेस डालेंगे और मेक श्योर कि आपको पता हो कि फ्रंट और बैक कवर भी इंक्लूडेड होता है तो आप थ्री सिक्सटी सेवन या थ्री सिक्सटी नाइन पेजेस लें तो इसमें हम जनरली हम सिलेक्ट कर रहे हैं कि हम हंड्रेड पेजेस इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं आप कितने भी पेजेस कर सकते हैं ये रैंडम है डिपेंड करता है सो हम हंड्रेड पेजेस सेलेक्ट करके यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट कर देंगे सो so, हमने अपना जो है प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है जैसे ही आप प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे आपके सामने ये आ जाएगा पेज इस पर पे काफी कुछ लिखा हुआ है इसका मतलब ये ये जो राइट right साइड है ये आपका फ्रंट है और जो लेफ्ट साइड है ये आपका बुक का बैक साइड है सो so, आपको फ्रंट और बैक कवर बनाना है सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो नंबर है ये हाइड हो जाएंगे ये सारी चीजें ये सिर्फ बता रखा है कि कौन सी चीज कहा जाएगी सो so, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ये जो बॉक्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम हाइट कवर टेम्पलेट करेंगे कि आपको ये हाइट करना है आप जैसे हाइट कवर टेम्पलेट करेंगे आपको ये ब्लैंक जो स्क्रीन है ये मिल जाएगी सबसे पहले हम अपना कवर पेज बनाएंगे सो कवर पेज के लिए यहाँ पे इन्होंने दे रखी है पिक्चर्स सो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है मेरे अपलोड्स भी हैं यहाँ पे पिक्सबे भी है जहाँ पे आपको फ्री में रॉयल्टी फ्री जो है पिक्स मिल जाएंगे आप डाल सकते हैं अन भी यहाँ पे है जो आप बुक्स बनाएंगे तो कवर पेज वगैरह यहाँ से डाल सकते हैं सो so, पिक्सवे में जाके आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे कोई भी बुक मैंने आ, अपना यहाँ पे सिलेक्ट किया है ये वाला वेव्स एंड सी ये मुझे अच्छा लगा तो हम ये सिलेक्ट कर रहे हैं और कोशिश यही करनी है जैसे हमने ब्लीड सेलेक्ट किया था कि हम इसको ये जो कॉर्नर्स है ना जो ग्रीन वाले कॉर्नर्स आपको दिख रहे हैं कि इससे बाहर आप लेके जाएँ कि प्रिंटिंग के टाइम पे कोई भी चीज़ आपकी कट ना हो सो so, इस वजह से इसको ब्लीड बोलते हैं और ये हम देख रहे हैं कि ये जो पिक्चर है ना हमने यहाँ पे थोड़ी सी बची हुई है इसको भी और एक्सटेंड कर देंगे और ये होगी हमारी फ्रंट पिक्चर अब इसके ऊपर हमें लिखना है कि ये कौन सी बुक है आपको क्या लिखना है आप खुद से देख सकते हैं कि कैसे इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है सो so हम सबसे पहले जाएंगे यहाँ पे और हम यहाँ पे लिखते हैं कि टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और हेडिंग पे क्लिक करेंगे और हेडिंग पे हम यहाँ पे जाके लिख देंगे ग्रेटिट्यूड और एक के बाद एक और टेक्स्ट हमें चाहिए और दूसरे टेक्स्ट पे हम लिख देंगे जनरल और इसके बाद हम उसके फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं सो so, ग्रैटिट्यूड पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे इसका फॉन्ट चेंज करेंगे यहाँ पे जाके आप इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं सो so, मैं ये वाला फॉन्ट ले रही हूँ मुझे ये अच्छा लग रहा है सो so, ये मैंने ग्रेटिट्यूड ले लिया और इसका कलर भी चेंज कर देते हैं सो so, इसको हम करेंगे वाइट क्योंकि हमारा बैकग्राउंड जो है वो काफ़ी डार्क है सो वाइट विल लुक गुड सो इस पर क्लिक करके हम इसको ग्रेटिट्यूड को यहाँ मूव कर देंगे सेंटर में सो so, हमने ग्रेटिट्यूड को यहाँ मूव कर लिया और जनरल को थोड़ा डिफरेंट फॉन्ट दिया है बाकी आप अपने हिसाब से कोई भी फॉन्ट दे सकते हैं आई थिंक दिस इज़ लुकिंग गुड नाउ और उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे कुछ कमी लग रही थी यहाँ पे सो तो मैंने एक यहाँ से टेक्स्ट में जाके एक ब्रिज टेक्स्ट और सर्कुलर टेक्स्ट की ऑप्शन होती है तो मैंने सर्कुलर टेक्स्ट भी डाला है सो सर्कुलर टेक्स्ट में ना जैसे कि आपको पता है ग्रैटिट्यूड जनरल क्या होता है ग्रेटिट्यूड जनरल होता है कि जैसे आपने कोई आ, दिन में आप किस चीज़ के लिए थैंकफुल हैं ये बहुत अच्छी चीज़ है आजकल बहुत ज़्यादा लोग इसको करना स्टार्ट भी कर रहे हैं कि आप दिन में किस चीज़ के लिए थैंकफुल हैं और क्या चीज़ बेटर हो सकती है आप किस चीज़ के ग्रैटिट्यूड रखते हैं राइट सो so, लोग इसके बारे में लिखते भी हैं और वो हैप्पी लाइफ जीते हैं क्योंकि वो थैंकफुल है ना जो हमारे साथ अच्छा हुआ आज के दिन में सो so, वो एक डेली का जर्नल रखते हैं सो so, इसमें हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा और लिख रहे हैं इसका एक मैसेज लाइफ इज गुड मैंने सोचा है वो अच्छा रहेगा मैसेज मैंने यहाँ पे टेक्स्ट में जाके सर्कुलर टेक्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया अब एडिट टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पे हम डालेंगे मैसेज अपना लाइफ इज गुड सो लाइफ इज गुड यहाँ पे हमने लिख दिया और इसका भी हम अपना टेक्स्ट का कलर जो है वही कर देंगे जो हमारा ब्रांड कलर यहाँ पे चल रहा है वाइट हम लेके चल रहे हैं क्योंकि पीछे का बैकग्राउंड डार्क है सो लाइफ इज गुड का हमने ये कर दिया और इसको अब हम कर देंगे यहाँ पे सेंटर में तो मेरे हिसाब से ये जो कवर पेज है बिल्कुल सही लग रहा है ग्रेटिट्यूड जर्नल एंड लाइफ इज़ गुड इसके ऊपर आप कुछ भी कोई स्मॉल मैसेज वगैरह डालना चाहते हैं अमेजोन पे और बुक्स देख के उनसे गाइडेंस लेना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं मैंने देखा था कई लोगों ने यहाँ पर कुछ थाट लिखा होता है कई लोगों को वो भी अच्छा लग जाता है तो वो भी डाल सकते हैं बट फॉर नाउ आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आप ऐसे कर सकते हैं बाकी आपको इसमें अगर कोई और चेंज लगता है आप कॉमेंट्स में भी लिखना कि हम और क्या कर सकते थे एनी वेज आर कवर इज रेडी इसके बाद आपको क्या करना है बीच के पेज बनाने हैं और उसके लिए हम क्लिक करेंगे अपने फर्स्ट पेज पे फर्स्ट पेज अभी बिल्कुल ब्लैंक है राइट right? सो so, यहाँ पे आता है बुक वोल्ड का नेक्स्ट फीचर कि आपको यहाँ पे बुक पे फिल करना है सो so, हम यहाँ पे इस मेज वाले ऑप्शन पे पेज टैंपलेट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे इस पर क्लिक करेंगे और आपको देखो ये सारे टैंपलेट्स मिल रहे हैं अगर आप नॉर्मल नौ, नोटबुक बनाना चाहते हो सिंपल ये वेरियंट स्टार्ट सेलेक्ट करो और आपकी नोटबुक बन जाएगी और उसको कॉपी कर दो हम बना रहे हैं लेकिन जनरल सो so, हम लोग जनरल के लिए मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो सिंपल ना हो लाइंस उसके लिए ऐसे मैसेजेस भी हों कि भाई आप किस चीज़ के लिए थैंकफुल हो आज कौन सी डेट है नेक्स्ट आगे और क्या अच्छा आप कर सकते हैं ये सारी चीज़ें सो so, यहाँ पर एक जनरल का टेम्पलेट था जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो मैंने सेलेक्ट कर लिया सो so, यहाँ पर इन्होंने डेट दे रखी है कोर्ट ऑफ द डे जैसे मैं चाहती थी टुडे आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर हेयर वॉट वुड मेक टुडे ग्रेट और आई एम थैंकफुल फॉर बाकी सारे मैसेजेस हैं सम अमेजिंग थिंग थिंग्स दैट हैपन टुडे व्हाट कुड आई हैव डन टू मेक टुडे इवन बेटर राइट सो ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को अच्छी लगती हैं जो जर्नल में लिखते हैं सो हमने मेरे हिसाब से बिल्कुल सही टेम्पलेट है तो मैं यूज़ दिस टेम्पलेट पर क्लिक करूँगी तो हम क्या करेंगे इसको सारे सिलेक्ट करेंगे टेम्पलेट क्योंकि हम सारी जो हंड्रेड पेजेस हैं उस पर ये टैम्पलेट अप्लाई करना चाहते हैं सो वन बाय वन करेंगे तो ऑब्वियसली बहुत टाइम लग जाएगा तो हम सिलेक्ट ऑल करेंगे और उसके बाद हम डी सिलेक्ट कर देंगे कुछ यहाँ पे अपने आ, जो पहला एक पेज है कवर पेज राइट तो उसको डिसलेक्ट कर दिया बाकी पे सिलेक्ट ऑल है नेक्स्ट किया और फिर हम सबमिट कर देंगे जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो ये जो है टेम्पलेट सारे पेजेस पे अप्लाई हो जाएगा अब ये ये देखिए हमारी बुक बिल्कुल बन के रेडी है बुक बन गई बस इतना ही टाइम लगता है फ्रंट पेज हमने बनाया उसके बाद सारे पेजेस में ये डाल दिया तो बुक इज़ डन नाउ हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे और पब्लिश करेंगे वो नेक्स्ट पार्ट है और एक्सपोर्ट करने के लिए हमें इसमें जाना है डाउनलोड में और डाउनलोड पे हमें कौन से फॉर्मेट में डाउनलोड करनी है ये आपको ध्यान रखना है आपको इसमें डाउनलोड करना है आर जी बी बुक इस पर आप क्लिक करेंगे और आपकी बुक जो है वो डाउनलोड हो जाएगी विद इन फ्यू मिनट्स ये डाउनलोड हो जाती है और जैसे ये डाउनलोड होती है हम इसको करेंगे पब्लिश सो so, हमारी बुक हो रही है डाउनलोड जब तक ये डाउनलोड होती है मैं आपको कुछ और बताना चाहती हूँ कि ये तो मैंने बुक बनाई है आपको शो करने के लिए राइट right? सो so, आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं मान लीजिए आप पहले तीन पेजेस पे कुछ और लिखना चाहते हैं इंडेक्स डालना चाहते हैं या फिर अपनी बुक को और अच्छा बनाने के लिए आप कुछ भी करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं पूरा कस्टमाइज कर सकते हैं और उसके बाद बाकी चीजें डाल सकते हैं डिपेंड करता है आप कौन सी बुक बना रहे हैं उसमें कौन सी चीज सूट करेगी वहां पे राइट कोट ऑफ द डे डालना है एक तरफ कोट ऑफ द डे डालना है एक तरफ आपने कंटेंट के लिए ओपन छोड़ना है लाइंस डालनी है पेज डालना है वो भी डाल सकते हैं और पेजेस पे आपको डालना है कुछ और इवन पे कुछ और डालना है वो भी आप डाल सकते हैं आप पूरा कस्टमाइज कर सकते हैं ऐसा नहीं कि सारी बुक एक ही पेज की होनी चाहिए यू आर फ्री टू एक्सपेरिमेंट यू आर फ्री टू क्रिएट वॉट यू वॉन्ट जो आपके प्रोजेक्ट के लिए सही रहेगा सो so, अब हमारी बुक हो गई है डाउनलोड इस बुक में आपको दो चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे एक तो आपको इसमें पीडीएफ फाइल मिलेगी और एक आपको कवर पेज मिलेगा राइट यहाँ पे सोर्सेज का फोल्डर भी है जब भी आप डाउनलोड करेंगे आपकी जिप फाइल डाउनलोड होगी उसको आप अनजिप कर लेना क्योंकि अनजिप करने के बाद ही आप अमेजोन के डी पी पे जाके बुक को पब्लिश करेंगे सो so, ये आपने अमेजोन के डी पी गूगल पर टाइप करना है आपके पास पहला लिंक आ जाएगा के डी पी डॉट अमेजोन डॉट कॉम ये अमेजोन का के डी पी पोर्टल है जहाँ से बुक्स पब्लिश होती हैं सो so, हमने पहले जाना है क्रिएट की एडीपी अकाउंट वहां पर जाके आपने अपना इस लिंक पे जाके अपना जो अकाउंट है वो क्रिएट कर लेना मेरा यहाँ पर लॉग इन हो रखा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी अकाउंट जो है वो क्रिएट कर रखा है लेकिन मेक श्योर sure जब भी आप अपना लॉग इन करेंगे क्रिएट करेंगे तो आपको ये बैंकिंग इन्फॉर्मेशन भी मांगेगा डोंट वील कि यार ये सेफ है कि नहीं है ये अमेजोन है ऑब्वियसली बैंकिंग इन्फॉर्मेशन इसलिए चाहिए कि आपको बैंक में पैसा तभी आएगा अगर आप अपना अकाउंट डिटेल यहाँ पे देंगे राइट सो यू कैन प्रोवाइड योर बैंकिंग अकाउंट डिटेल्स अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस का अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपका इंडिविजुअल अकाउंट राइट और साइन इन के बाद हम आ गए अपने के अकाउंट में ये मेरी बुक्स हैं जो मैंने पब्लिश कर रखी तो so हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं अपनी बुक पब्लिश करने के लिए जैसे कि आपको पता है हमने पेपर बैक बुक बनाई है तो हम पेपर बैक पे क्लिक करेंगे क्रिएट पेपर बैक क्रिएट पेपर बैक करने के बाद आपने अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर ली यहाँ पे इंग्लिश आपकी बुक की लैंग्वेज इंग्लिश है बुक को आपने टाइटल देना है आप बाकी अमेजोन की बुक्स पे जाके भी सर्च कर सकते हैं कि क्या डिस्क्रिप्शन डालनी है उन्होंने कैसी डाली हुई है कि उनके कीवर्ड्स जो है वो आप यहाँ पे भी डालो बाकी कीवर्ड्स वर्ड्स मैं आपको ये भी बताऊंगी कैसे डालने हैं बुक वोल्ट ही आपको देता है की वर्ड्स निकाल के भी यू डोंट हैव टू वरी बट एक टाइटल और अपना डिस्क्रिप्शन के लिए आप चैट जी भी यूज़ कर सकते हैं खुद से भी डाल सकते हैं और अमेजोन की बाकी बुक्स से भी हेल्प कर सकते हैं ले सकते हैं लेकिन ऐसा ना करें कि कॉपी पेस्ट ही कर दें बाकी की बुक्स की डिस्क्रिप्शन सो क्योंकि ये उनका कॉन्टेंट है आपका कॉन्टेंट नहीं है सो so, हमने यहाँ पर

सो so, ये हमारी डिस्क्रिप्शन हो गई उसके बाद आपको पब्लिशिंग राइट्स पे क्लिक करना है आई ओन द कॉपीराइट राइट ऑब्वियसली यू हैव टू क्लिक दैट ये आपके कॉपी राइट्स हैं और उसके बाद आपका प्राइमरी ऑडियंस है सेक्शुअली एक्सप्लिसिट इमेजेस और टाइटल बिल्कुल नहीं है सो so हम नो यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपका प्राइमरी मार्केट प्लेस डॉट कॉम आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप पर्टिकुलर किसी एक मार्केट प्लेस पर सेल करना चाहते हैं जैसे कि कनाडा में तो अमेजोन डॉट सी ए या फिर अपना इंडिया में अमेजोन डॉट इन बट मैं सिलेक्ट करूँगी डॉट कॉम सेलेक्ट कर लो जो बंदा जहाँ से ऑर्डर कर रहा होगा उसका अपने हिसाब से सेटल हो ही जाता है तो आप टारगेट करो कहीं से भी दुनिया में कोई भी ये बुक ऑर्डर करता है वो कर पाए सो so, आप अमेजन डॉट कॉम सेलेक्ट कर लो सो so, नेक्स्ट आ गया आपकी कैटेगरीज अब कैटेगरीज में भी आपको ये सारी हेल्प करके देगा बुक बोल्ड देखा आपकी हर चीज़ जो है वो बुक बोल्ड आसानी से करके दे देता है आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है सिंपल यहाँ पे के डी पी कैटेगरीज में क्लिक करो और कैटेगरीज में आप डाल दो कि आपका जो जो आप बुक बना रहे हैं सो so, हम बना रहे हैं ग्रेटिट्यूड जर्नल सो ग्रेटिट्यूड जर्नल मैंने यहाँ पे डाला सो so यहाँ पे हम रिसर्च करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कि मोस्ट प्रोबेबली कौन कौन सी कैटेगरीज हैं आपको सही कैटेगरी सेलेक्ट करनी है सो so, यहाँ पे आप ये सारी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं और एक चीज़ और मैं रिकमेंड करना चाहती हूँ कैटेगरी ऐसे सेलेक्ट करें कि उस कैटेगरी में कंपटीशन कम हो और आपकी बुक जो है वो ज़्यादा हायर रैंक पे चली जाए जब आपकी जो बुक है किसी और कैटेगरी में बेस्ट सेलर बन जाती है हायर रैंक पर आ जाती है तो आपकी बुक अपने आप अमेजोन में रिकमेंड होने लग जाती है सो so, ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पता होने चाहिए सो so, इस हिसाब से कैटेगरी बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना और मेरी रिसर्च करने के बाद मैंने डिसाइड किया है कि मैं जाऊँगी सेल्फ हेल्प और जर्नल राइटिंग में सो so, ये हमारी कैटेगरी है सो so हमें जाना है यहाँ पे के में और चूज कैटेगरी पे क्लिक करना है और कैटेगरी हम सेलेक्ट करेंगे सेल्फ हेल्प जैसे हमने बुक वोल्ट में देखा और सेल्फ हेल्प में हम जाएंगे जर्नल राइटिंग में जर्नल राइटिंग में हम करेंगे इस कैटेगरी को सेव उसको करने के बाद आ गए हमारे कीवर्ड्स अगेन अब कीवर्ड में कौन हेल्प करेगा कीवर्ड में भी हमें हमारा बुक बोल्ड ही हेल्प करके देगा बुक बोल्ड में हम जाएंगे हम टाइप करेंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे कीवर्ड्स पे सो so, की वर्ड्स पे हम जाएंगे सर्च में सर्च में हमें अगेन वही डालना है आपको पता ही होगा कि हम गैटीट्यूड जर्नल बना रहे हैं कि जो भी हम सर्च कीवर्ड्स डालेंगे एटलीस्ट जो बाकी लोग हैं ना जब वो सर्च करें तो हमारी बुक ऊपर आ जाए वो क्या सर्च कर रहे हैं ये आपको सारी रिसर्च बुक बोल्ड करके देगा आपको नहीं पता कौन सर्च कर रहा है क्या टाइप कर रहे हैं और कितने सर्च रिजल्ट हैं उस चीज़ के सो so, ये बुक आपको बताएगा तो यहाँ पे अगर मैं ग्रेटिट्यूड जर्नल सेलेक्ट करती हूँ इन्होंने बता दिया कि भाई 365 सिक्सटी जर्नल जो है ये वाला कीवर्ड है ये 18,175 बार सर्च किया गया है तो ये सही अमाउंट है सो so, हम हाई वाले जो कीवर्ड है ना ये सारे उठा के छः के छः कीवर्ड्स यहाँ पे इसमें अपने अमेजोन के वाले यहाँ पे सॉरी सात हैं सात ही आप डाल सकते हैं मैक्सिमम और यहाँ के जो टॉप हाई वाले हैं ना ये सारे सेवन के सेवन हम डाल देंगे यहाँ पे उठा के उसके बाद आपने सेवन कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया कीवर्ड डालने के बाद और उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना है आई नंबर आपका तब जनरेट होता है जब आपकी बुक पब्लिश हो जाती है तो आपको उसकी कोई टेंशन नहीं है और पब्लिकेशन डेट की भी कोई जरूरत नहीं है प्रिंट ऑप्शन में भी ब्लैक एंड वाइट इंटीरियर विद वाइट पेपर दैट्स ओके वही हमने सेलेक्ट किया था ट्रिम साइज देख लेना कि सिक्स बाई नाइन हो यहाँ पे ब्लीड नो ब्लीड ब्लीड प्रेफरेबल होता है आप ब्लीड सिलेक्ट कर, कर, कर सकते हैं और मैट जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं मैट मैं प्रेफर करती हूँ कि बुक में मैट ही रहे और उसके बाद यहाँ पे आप अपनी मेन्यू स्क्रिप्ट अपलोड कर सकते हैं और यहाँ पे आपने कवर अपलोड करना है सो ये हमारी होगी है मेन्यू स्क्रिप्ट अपलोड उसके बाद आपने अपलोड कवर करना है यहाँ की ऑप्शन सिलेक्ट करनी है आपने क्योंकि आपने ऑलरेडी कवर बना रखा है सो so, यहाँ से हमने अपलोड कर देना अपना कवर ये कवर अपलोड हो रहा है और उसके बाद वी आर ऑलमोस्ट डन वंस इट इज़ अपलोडेड एंड देन विल गो अहेड एंड क्लिक नेक्स्ट इट इज़ सेव्ड सी देखो बहुत जल्दी होता है ये मिनट्स में अपलोड हो जाता है अपलोड हो गया उसके बाद हमने ए आई जनरेटेड कॉन्टेंट कुछ लिया नहीं है खुद से क्रिएट किया है ये आ गया बुक प्रीव्यू पे आपको क्लिक करना पड़ेगा क्योंकि बुक प्रीव्यू पे आग, अगर आप क्लिक करते हैं तो ये अप्रूव हो जाता है और उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है तो हम यहां पे क्लिक करेंगे लॉन्च प्रीव्यूअर uh, में लॉन्च प्रिव्यू अगर आप करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी बुक की लुक कैसी आ रही है फ्रंट पेज कैसा लग रहा है बैक पेज और अंदर के पेजेस कैसे हैं और ये आपको क्लिक करना ही पड़ेगा अगर आप क्लिक क्लिक करेंगे तो ये अप्रूव हो जाती है और फिर आप सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हो सो हमारा प्रीव्यू हो गया कंप्लीट प्रीव्यू के बाद आपने यहाँ पे इसको अप्रूव करना है वंस यू क्लिक ऑन प्रूव उसके बाद आपने अपने नेक्स्ट पेज पे जाना है। जहां पे आपको प्राइजिंग की ऑप्शन मिलती है और वहां पे हम करेंगे प्राइजिंग अपनी सेट सो ये हो गया और इसके बाद आगे हमारी यहाँ पे प्राइजिंग की ऑप्शन तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आपकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट है वो लगेगी फाइव डॉलर एंड फोर्टी टू सेंट्स इसके बाद हम क्लिक करेंगे सेव एंड कंटिन्यू उसके बाद नेक्स्ट पे जाके आप अपना मार्जिन डाल सकते हैं कि आपको अपना कितना मार्जिन डालना है और आपको बुक कितने में बेचनी है और यहाँ पे भी आपको रिसर्च करनी है अपनी कि आप कितने में सेल कर सकते हैं बहुत ज्यादा महंगा करेंगे तो आपकी ऑब्वियसली बुक सेल नहीं होगी अगर आप लो करेंगे तो आपको इतना मार्जिन नहीं मिलेगा सो बाकी जो आपके कॉम्पिटिटर्स है आप ये सर्च करना कितने में सेल कर रहे हैं सो so, मेरे अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप आराम से इस बुक को फिफ्टीन डॉलर में सेल कर सकते हैं और फिफ्टीन नाइनटी नाइन अगर किसी का और का प्राइस हो तो फ़िफ्टीन सेवन भी आप कर सकते हैं या फिर फोर्टीन डॉलर भी कर सकते हैं तो ये आप देख लें कि आपको कितना करना है यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि आपको रॉयल्टी कितनी मिलेगी यहाँ पे फोर डॉलर आपको रॉयल्टी मिल रही है अगर एक बुक सेल होती है जैसे लोगों की पाँच पाँच सौ बुक सेल होती है वो डिपेंड करता है कि आप बेस्ट सेलर में है तो आपकी इतनी सेलर होंगी तो धीरे धीरे आपकी रैंकिंग भी इंप्रूव होगी सो तो आप उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पर फिफ्टीन डॉलर नाइन्टी सेवन सेंट सेलेक्ट किए हैं और उसके बाद आपको जस्ट पब्लिश योर पेपर बैक बुक पे क्लिक करना है एंड दैट्स सेट और यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है टर्म्स एंड कंडीशन में इट कैन टेक अप टू सेवेंटी टू आवर्स फॉर योर बुक टू अवेलेबल फॉर परचेज ऑन अमेजोन सो एमेजन पे अगर कोई बंदा खरीदना चाहेगा तो उसको पब्लिश होने में आपको सेवेंटी टू आवर्स तक लगते हैं उसके बाद आपको मेल आ जाती है कि आपकी बुक पब्लिश होगी अब कोई भी जाके वहाँ पर खरीद सकता है पर अमेजोन पर आपकी बुक आ जाएगी एंड दैट्स हाउ यू क्रिएट एंड पब्लिश बुक विद द हेल्प ऑफ बुक वोल्ड बुक बोल्ट आपकी स्टेप बाय स्टेप एंड टू एंड सारी हेल्प करता है प्रोडक्ट की रिसर्च करने में बुक क्रिएट करने में की डालने में और आप फ्री में स्टार्ट कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बिगनिंग में बताया आई होप आपने साथ साथ फॉलो किया होगा अगर नहीं किया है तो अभी जाके अपना बुक बोल्ट का अकाउंट जरूर बना लें थ्री थ्री डेज के लिए बिल्कुल फ्री है अगर मेरा कोड यूज करेंगे सेंडी ट्वेंटी तो आपको ट्वेंटी परसेंट ऑफ भी मिलेगा आपकी मेंबरशिप पे आई होप दिस हेल्प्स अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर करना और जल्दी से अपनी बुक क्रिएट करके अपने इस बिजनेस को स्केल करना ज्यादा क्रिएट करेंगे तो ज्यादा ऑप्शन आपको मिलेगी ज्यादा प्रॉबेबिलिटी होगी सेलिंग की सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर करना कॉमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मिलते हैं अगली वीडियो में टिल देन टेक केयर बाय